नमस्कार Yalsar.com पर आप सभी का स्वागत है। साथ साथ कर संख्या 37। अपना नाम बताएं जी। जी सर, मेरा नाम है ओमप्रकाश महरिया। ओमप्रकाश महरिया जी सर, अपने परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? सर, मेरे परिवार में हम लोग 5 सदस्य हैं। माता पिता और 3 भाई हैं, बहन है नहीं। अच्छा, माता पिता क्या नाम है? माता पिता का पिता का नाम है ईश्वरलाल, माता का नाम है मला देवी। एक बड़ा भाई है, वो अभी तैयारी कर रहा है। शादी कहाँ तक हुई आपकी? शादी हुई नहीं अभी तक। नहीं हुई तो आप अभी पढ़ रहे हैं? जी सर, अभी पढ़ रहा हूँ। बी ए फाइनल है मेरी और ITI भी फाइनल चल रही है। बी ए फाइनल है। आपका प्रिय विषय कौन सा है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। और आपका प्रिय गुरुजी का क्या नाम है? प्रिय गुरुजी हैं बागिर जी। आपके दोस्तों के नाम? दोस्तों में एक मेरा प्रिय दोस्त है, वो है महेश कुमार। महेश कुमार। कोई गर्लफ्रेंड भी है? गर्लफ्रेंड है ना एक। नाम बताना चाहेंगे? नाम तो शायद सर मैं नहीं बताना चाहूँगा आपको, पर फिर भी शॉर्ट नाम बता दूंगा मैं। बता दो। एस के। अगली खुश हो जाएगी, सही है ना? अच्छा, इस बात का कितने लोगों को पता है कि आपकी गर्लफ्रेंड है? लगभग सारे गांव को ही पता होगा। गांव को ही पता है। तो गांव में तो ये इस बात को मनाई होती है, वैसे निषेधता होता है तो जी सर, पकड़ाई कुटाई हुई कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। अच्छा सर, मेरे दोस्तों को शायद पता है। रंग कौन सा अच्छा लगता है आपको? रंग तो ज्यादा तो मुझे अच्छा लगता है ग्रीन। ग्रीन। खाने में क्या अच्छा लगता है? खाने में तो नमकीन जो होता है ना वो खाना मुझे ज्यादा पसंद है। मिठाई तो मैं खाता नहीं। मिठाई खाते नहीं आप? जी सर। आपको फिल्में देखते हैं? फिल्म तो नहीं देखा सर। कोई हीरो हीरोइन अच्छी लगती है? नहीं, कोई भी नहीं। खेल अच्छा कौन सा लगता है? फुटबॉल है मेरा बेट। फुटबॉल है? जी सर। फुटबॉल में कोई जीती है, स्पर्धा जीती है? जी बिल्कुल जीती है। कहाँ, कब? 2012 में। 2012 में। जी सर। अच्छा, और मेरे पास 2-3 प्रमाण पत्र भी हैं बेस्ट प्लेयर के। जी जी। तो पढ़ाई के अलावा और कौन से शौक हैं आपके? सर, पढ़ाई के अलावा मैं फुटबॉल तो खेलता हूँ ही। इसमें और अदर जो खेल होते हैं ना वो भी मैं अच्छी तरह खेल लेता हूँ, जैसे क्रिकेट हुआ, वॉलीबॉल हुआ, जैसे खेत का काम करना, जैसे कोई घर में हाथ बटाना। खाना बनाना आता है आपको? खाना बनाना अच्छा आता है सर। क्या क्या बना लेते हैं? मैं चपाती बहुत अच्छी बनाता हूँ। सब्जी? सब्जी तो शायद मुझे नहीं आती। मांग के लानी पड़ती है? नहीं, मांग के लाना सब्जी बनानी नहीं आती। चपाती तो इतनी अच्छा था, तो कोई लड़की भी नहीं। ऐसे नहीं, मांग के मतलब कि सब्जी आपने रोटी बना ली तो सब्जी जो है वो उनको घर वालों को बोलो कि आप बना दें। सब्जी घर वाले बना देते हैं लेकिन चपाती बहुत अच्छी बनाता हूँ। वाहन कौन सा चलाना आता आपको? वाहन कोई सी भी गाड़ी हो, चलिए वाहन चलाना आते हैं। ट्रक चलाना आता है? जी सर, ट्रक भी चलाया मैंने एक बार। अच्छा, किसी अपना था? अपना था तो नहीं था सर, फिर भी दूसरा चलाता हूँ मैं। और है ना, गाड़ी तो मैं चलाता रहता हूँ किसी दूसरे की। ये खेजड़ी अपने खेजड़ी होती है, जाती है तो इनके छंगाई करने आती है? नहीं सर, मुझे डर लगता है। कभी कोशिश की थी एक बार। गिर गए? नहीं। क्या कीड़े मकोड़े उन्होंने काट लिया? जी सर, उन्होंने काट लिया और मैं तुरंत ही नीचे चला आया। अच्छा, डर भी लगता है कि ये कहीं गिर जाएंगे। आप जब कॉलेज ज्वाइन की थी? जी सर। और अभी जब आप दूसरी कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी कौन सी कर रहे हैं? अभी ITI चल रही है मेरी, फाइनल ITI। हाँ, तो जो सामान्य कॉलेज होते हैं उन कॉलेज में कितना फर्क है? क्या सर? ITI जो कर रहे हैं आप? जी सर। वो कॉलेज और जो सामान्य कॉलेज अपनी होती हैं जहाँ BA BSc का लोग करते हैं सर, जैसे हम सामान्य कॉलेज में करते हैं ना, किसी सरकारी कॉलेज से करते हैं, तो वहाँ कोई ना व्यवस्था ऐसे होते नहीं जैसे कि किसी है ना एक पर्टिकुलर एक विद्यार्थी पे ध्यान दिया जाए। और जो निजी शिक्षण संस्थान होती है ना उसमें पर्टिकुलर किसी एक इंसान पे ना ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको पता है कि हमें किसी को सर नहीं बोलना चाहिए? मेरे चापलूसी का सोच सकते जी। क्योंकि इंग्लैंड की महारानी जो है अगर किसी को नाइटहुड की उपाधि देती है, ठीक है जी सर, तो सर कहते हैं, तो गिनती के सर हैं। तो हम लोग तो क्या है कि अपना काम निकालने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, अपने अध्यापकों के लिए, फौज में तो क्या है कि लड़का डरता है, देखे हम नए नए आए हैं हमें निकाल दें वगैरह, तो भी सर कहता है। अमेरिका में जो है वो भी उधर वो जो लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर कमांडर ऐसे बोलते हैं, UK में भी ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ तो सर का इतना महत्व नहीं है। सर लोग कहते भी नहीं, कहलाना पसंद भी नहीं करते। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं
आपने उसे सर नहीं कहा, साहब जी नहीं कहा, तो वो बुरा ही मान जाता है, बुरा मान जाता है और अपनी कंपनी से निकाल देते हैं, निकाल देता है ना, वो कहता है तमीज नहीं, तमीज नहीं, अनुशासन नहीं, ये नहीं पता कि अगर तुम अंग्रेजी दौड़ा रहे हो तो अंग्रेजी में तो जी है ही नहीं, बिल्कुल सर है ही नहीं, बिल्कुल, तो उसे तो भी सीधा नाम बोलना चाहिए। वहाँ ऐसे होता है मैनेजरों का नाम से मुकेश राजेश है, तो मुकेश हाय मुकेश ऐसे बोलते हैं, मुकेश जी सर जी यहाँ नहीं बोलते, ये नहीं लगाते, लेकिन यहाँ अगर नहीं बोलोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, इंडिया की सबसे ना खराब पॉलिसी यही है कि अगर हम किसी का अनुशासन से नहीं बोले, किसी के साथ किसी की इज्जत ना करें तो अपने आप से निकाल देते हैं, अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। अच्छा, बड़े होके क्या बनना चाहेंगे? बड़े तो मतलब बड़े तो हो गए, लेकिन पढ़ने के बाद, जब तो पढ़ता तो बच्चा ही रहता है। सर देखो, फिलहाल तो मैं एक ना सरकारी जॉब की तलाश में हूँ, अगर कहीं लग जाए तो, अगर फिर भी ना लगे तो प्राइवेट जॉब तो मुझे करनी है ही है। बिल गेट्स भी सरकारी नहीं कर रहा, मुकेश अंबानी भी सरकारी नहीं कर रहा, और टाटा वाले भी सरकारी नहीं कर रहे, पैसे तो उनके पास ज्यादा है, तो उसमें ना जैसे परिवार की पॉलिसी होती है, अगर उसके पास पहले से अपना बिजनेस स्टार्ट करने की मनी नहीं, उनके धीरूभाई अंबानी के पास जो है पहले से इतनी कैपेसिटी नहीं थी, काफी टाइम पहले उन्होंने पेट्रोल पंप पे भी नौकरी की थी, बिल्कुल बिल्कुल की थी, तो ये तो बात गलत हो गई, इसका मतलब हिम्मत थी एक। हाँ देखो, जज्बा तो होना ही चाहिए, अगर कोई भी काम हम करते हैं तो जज्बा नहीं होगा तो वो काम सफल कहाँ से होगा। तो आपकी हिम्मत है कि नहीं? बिल्कुल है। अब बताओ, सरकारी को छोड़ क्या बनना चाहेंगे? देखो सर, मैं एक ना प्राइवेट जॉब पहले तो ज्वाइन करूँगा, उसके बाद में अपना काम स्टार्ट करूँगा, अगर वहाँ कहीं अच्छा बिजनेस मिल गया तो मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट करूँगा। आप सुबह उठते कितने बजे? सुबह लगभग मैं 5:30-6 बजे का जाता हूँ। घुमाई करते हैं? हाँ, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत करता हूँ। कसरत करते हैं? वो भी करता हूँ। पहलवानी करते हैं? पहलवानी में तो सर वहाँ अपने गाँव में ऐसा चलता नहीं, लेकिन फिर भी कसरत वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं। गाय का दूध निकाल लेते हैं? गाय का दूध कभी निकाला ही नहीं सर। नहीं निकाल आता? बिल्कुल नहीं आता। बकरी का भी नहीं निकाला था, मेरे ना अंगूठे में दर्द होने लग जाता है। नहीं, दूध निकालने का मजा बकरी का है, एक टांग पकड़ के, क्योंकि बकरी भागती रहती है ना, इसलिए। हाँ, ना नहीं, उसमें दूसरा आदमी चाहिए। नहीं चाहिए, बकरी का दूध निकाल तो उस आदमी को चाहिए जी सर। अगर हम एक हाथ से बकरी का टांग पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से अपना दूध निकालेंगे, तो सर वो रखेंगे कहाँ बर्तन। अच्छा, मुझे तो ये बात पता नहीं थी कि बकरी का दूध निकालने दो दो औरतें चाहिए। चाहिए, अगर अच्छी बकरी होती है, हिलने वाली नहीं हो तो नहीं चाहिए। कि झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसी कौन सी बकरी दूध नहीं निकालने देगी? अच्छा बता, विदेशों में कौन सा देश अच्छा लगता है? विदेशों में मुझे, मैं एक बार कुवैत चला गया था। कुवैत क्यों गया था? मेरे पापा जी के पास। अच्छा, पापा जी क्या काम करते हैं? पापा जी वहाँ सिक्योरिटी है। क्या बताया? वहाँ जो है ना गार्डन होते हैं ना, उसमें वो है अपना गेट कीपर होते हैं ना, वो है सेक्रेटरी। अच्छा अच्छा अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड है। अच्छा, तो उसमें कितने साल हो गए पापा जी काम करते हुए? पापा जी को करीबन 16-17 साल हो गए, 10/1/2001 में गए थे। मैं भी गया था वहाँ। अच्छा, करीबन 12 महीना रुका था। 12 महीने रुके जी, और मैंने एक दिन भी काम नहीं किया था वहाँ। वहाँ जेल जैसा महसूस नहीं हुआ कुवैत में? जी बिल्कुल नहीं। कैसा लगा? मेरे पास तो ना, और तो बात कर नहीं सकते, वहाँ बुरके वाले रहते हैं। हाँ, रहती तो वही है, लेकिन घूमने के लिए अच्छी जगह थी, मैं जाता था। क्या क्या देखा कुवैत में, क्या अच्छा लगा? वहाँ के ना ज्यादा मॉल ना वो ज्यादा अच्छे लगे, और वहाँ के वो अरबी सीखी? वहाँ अरबी तो नहीं सीखी। अच्छा, क्या हाल चाल है, उसको क्या बोलते हैं अरबी में? अरबी नहीं आती सर मुझे। मैं बताऊँ जी? कैफ हालक सदीक, जैन तमाम, ये बोलते हैं ना। क्या नाम है इसको, क्या बोलते हैं? इस्मुख, ये अरबी मैंने सीखी। व्हाट इज योर नेम? और मेरा नाम है, क्या नाम था आपने अपना? ओम प्रकाश। इसमी ओम प्रकाश जी। ओके ओके, हाँ को क्या बोलते हैं अरबी में? नाम, नाम बोलते होंगे सही ना को? ला। ठीक है, आपने समय निकाला इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। देखना, अपने दोस्तों को दिखाना और भी लोगों को बताना, ठीक है जी? बिल्कुल बताएंगे, और समय मिला तो आगे भी साथ साथ का लेते रहेंगे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर।